बेस्ट 3D प्रिंटर लेना है पर 3D प्रिंटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, देन ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है पूरे इंटरनेट पे। एक जनरली लोग FTM प्रिंटर ही यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा फास्ट होते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इनके मॉडल्स में और चीप भी पड़ते हैं। बट अगर आप ज्वेलरी वगैरह डिजाइन करना चाहते हो या डेंटल मॉडल डिजाइन करना चाहते हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाई प्रिसीजन, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखना चाहिए, हाई क्वालिटी, देन आप रेजन प्रिंटर्स को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर ये चीज क्लियर हो गई है 15 से ज्यादा 3D प्रिंटर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने के बाद, मैं आपको 4 बेस्ट मॉडल बताऊंगा 10,000 से लेके 20,000 के बजट में, डेफिनेटली कंसीडर करना। एक और चीज ध्यान रखो, मोस्टली ब्रांड सेम मॉडल को डिफरेंट ब्रांड के नाम से बेचते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो मैंने बताए हैं वही कंसीडर करना उसी प्राइस में। बजट आपका 10,000 से 12,000 रुपए, तो इस बजट में 3D प्रिंटर तो आते हैं बट उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको मिनिमम रिकमेंड करूंगा 13,000 के आसपास आप बजट करो, देन 3 आइडिया का एनी क्यूब कोबरा न्यू 2023 मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। ये फास्ट प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है और काफी स्ट्रॉन्ग मॉडल प्रोड्यूस करता है। 2.4 इंचेस की LCD स्क्रीन है कंट्रोलिंग नोब के साथ। इसका जो हीट पैड का टेम्परेचर है जिसमें मॉडल बनता है वो 110 डिग्री तक जा सकता है। जो नॉर्मल प्रिंटर आते हैं इस बजट में वो 60 mm/s की स्पीड को सपोर्ट करता है, बट ये 100 mm/s की स्पीड को सपोर्ट करता है, ये इसका एडवांटेज है। इसमें आपको एक्सट्रूडर देखने को मिल जाता है कटिंग के लिए और 25 पॉइंट्स है ऑटोमेटिक लेवलिंग के लिए जिससे आपका मॉडल ज्यादा अच्छा बन सके। सारे टाइप के फिलामेंट को सपोर्ट करता है ये। इसकी जो बेस्ट हाईलाइट है कि प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिल जाता है इस बजट में, कुछ भी आपको एडिशनल नहीं लगाना। ऑटो बेड लेवलिंग आपको मिल जाती है 25 पॉइंट और बिगनर्स के लिए ना ये बेस्ट है, 13,000 के बजट मिल जाता है, सारे मॉडल्स को सपोर्ट करता है, फास्ट स्पीड है इसकी, सो इसको डेफिनेटली आप कंसीडर करना। 4.1 स्टार रेटिंग है, 412 से ज्यादा रेटिंग्स है, 13,399 में करंटली अवेलेबल है और ऑफर्स के टाइम एज लो एज 12,000 में भी इसको खरीद सकते हो। इसी रेंज में एनी क्यूब कोबरा 2 नियो भी मिल जाता है, डिट्टो सेम प्रिंटर है, बस ब्रांडिंग का डिफरेंस है। दोनों में से जो भी चीपेस्ट हो उसी को कंसीडर करना, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थोड़े और एडवांस फीचर चाहिए देन आप 15,000 के आसपास बजट करो। इस पे आपको क्रिएटिलिटी बी सॉफ्ट प्रूसा i3 देखने को मिलता है। इसमें भी हीटिंग बेड का टेम्परेचर अप टू 110 डिग्री है, जो मेजर डिफरेंस आ जाता है कि 110 डिग्री अचीव करने में इसको बस 5 मिनट का टाइम लगता है। हाई प्रिसीजन प्रिंटिंग इससे भी कर सकते हो। अपग्रेडेड MK10 एक्सट्रूडर मिल जाता है जिससे आपकी कटिंग जो है ना प्रिसाइज होगी। ऑनलाइन और SD कार्ड के थ्रू डिजाइन अपलोड कर सकते हो मॉडल की और उसके हिसाब से प्रिंटिंग कर पाओगे। इसमें सेफ्टी प्लग देखने को मिल जाता है, पुराने वाले में नहीं था ये चीज, सेफ्टी फीचर्स इसमें अच्छे हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मैग्नेटिक बेड देखने को मिलता है। इसकी भी 4.3 स्टार रेटिंग है, 340 से ज्यादा रेटिंग्स है, 14,899 में करंटली अवेलेबल है, डेफिनेटली आप कंसीडर करना। इसका जो एडवांटेज है इसमें आपको मैग्नेटिक बेड रिमूवेबल देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें रिज्यूम प्रिंटिंग का ऑप्शन है। लेट से आपकी लाइट चली जाती है फिर भी आपकी प्रिंटिंग रिज्यूम कर सकते हो थोड़ी देर के बाद, सो डेफिनेटली कंसीडर करना। ये वाला ऑप्शन काफी ज्यादा हेल्पफुल है 15,000 के बजट में। अगर आपको इसी बजट में ज्वेलरी या डेंटल मॉडल क्रिएट करना है हाई प्रिसीजन के साथ, देन आपको क्रिएटिलिटी LD002H LCD रेजिन प्रिंटर को कंसीडर करना चाहिए। इसमें लिक्विड रेजिन यूज होता है, 3.5 इंचेस का फुल कलर टच स्क्रीन मिल जाता है, जेड एक्सिस लीनियर रेल है, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मिल जाता है, मैनुअल लेवलिंग सिस्टम है, USB फाइल ट्रांसफर सपोर्ट करता है, तो USB के थ्रू प्रिंटिंग कमांड भी दे सकते हो मॉडल्स की। 4.1 स्टार रेटिंग है, 12 से ज्यादा रेटिंग्स है, 17,000 के बजट में आप इसको डेफिनेटली कंसीडर करो। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपको छोटे से मॉडल बनाने हैं और हाई प्रिसीजन के लिए बनाए तभी आप यूज करना, अदरवाइज FTM प्रिंटर को ही कंसीडर करना जो कि बाकी मैंने बताए हैं। इसका जो बेस्ट पॉइंट है कि प्रिंटिंग जो है वो आपकी हाई क्वालिटी मिलती है, बिल्कुल प्रिसाइज आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और 20,000 के बजट में आपको बेस्टम बेस्ट FTM 3D प्रिंटर चाहिए, देन वॉल 3D एंडर 3BD को कंसीडर कर लो। डिफरेंट नेम से आता है बट एंडर 3 वॉल्यूम 2 समझ के चलना। फुल मेटल ब्रॉड एंड एक्सट्रूडर आपको मिल जाता है कटिंग के लिए, रोटेटरी नोब मिल जाती है एक्सट्रूडर पे भी, मॉडल प्रीव्यू आप देख पाओगे कि बाद में कैसे देखने को मिलेगा, CR टच ऑटो लेबलिंग का सपोर्ट है, साथ ही साथ इसमें रिज्यूम प्रिंटिंग फंक्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि मैं पहले बता चुका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FDM प्रिंटिंग सपोर्ट करता है, 32-bit की साइलेंट मदरबोर्ड मिल जाता है, मतलब नॉइस वगैरह नहीं करता, सारे टाइप की फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और सारे टाइप के फिलामेंट इसमें चल जाएंगे। 4.2 स्टार रेटिंग है, 1200 से ज्यादा रेटिंग्स है, 20,000 के बजट पे आप इसको आंख बंद करके कंसीडर कर लो। वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर है जो कि आपने कंसीडर करना चाहिए और सारे टाइप की आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। इसका जो मेजर एडवांटेज है कि बाकी प्रिंटर थोड़ी नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, ये उतनी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरी चीज, इसमें भी आपको मैग्नेटिक बेड जो है वो रिमूवेबल है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट या रिमूव कर सकते हो। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है, 20,000 के बजट में वॉल 3D एंडर 3V2 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, इसमें सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 15,000 के बजट में FDM 3D प्रिंटर कैटेगरी में क्रिएटिलिटी बी सॉफ्ट प्रूसा i3 को डेफिनेटली चेकआउट करना और 13,000 के बजट में 3 आइडिया एनी क्यू कोबरा नियो
और एनी क्यूब कोबरा 2 नियो, दोनों में से कोई भी ये कंसीडर कर लो, बेस्ट है। बट अगर आपको रेजिन प्रिंटर ही चाहिए देन क्रिएलिटी LD002H बेस्ट चॉइस है 17,000 के बजट में। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज कॉमेंट।